हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज आपको मैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है ना, उसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। जो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट की जो बुक है ना, उसका पेज नंबर 10 है। वैसे तो हर बुक में ही कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, तो सभी का ही है, क्लास 8 इंग्लिश का। तो आप यहाँ से देखिए, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रही हूँ। वॉट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? कबाड़ की दुकान पर लेखक को क्या मिलता है? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड एंड इट्स कंडीशन वॉज वेरी बैड। यह ऑथर को रोल टॉप डेस्क जो थी वो मिली थी जंक शॉप में, और यह ओक के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई थी। किसकी लकड़ी से बनी थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको ओक वुड से बनी हुई थी। इट्स कंडीशन वॉज वेरी बैड, और इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। स्टूडेंट, आपको अच्छे से करना है इन चीज़ों को। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। वॉट डिड द ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉअर? मतलब राइटर को जो था, हमारा ऑथर था, उसको सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिलता है? हु डू यू थिंक्स, आप किसे सोचते हो हैड पुट इट इन देयर, और किसने इसको यहाँ पर रखा था? ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। जो हमारा राइटर था, ऑथर था, उन्हें सीक्रेट ड्रॉअर में ब्लैक टीन बॉक्स मिला था। इट हैड अ लेटर इन इट, इसके अंदर एक लेटर था। मिसिस कोनी मैकफर्सन हैड पुट द लेटर इन इट, और मिसिस मैकफर्सन जो कोनी थी, उन्होंने ये पत्र इसके अंदर रखा था। पेज नंबर 14 पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है बुक पर, या आप इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकेंड पार्ट का जो है, हु हैड रिटर्न द लेटर टू हुम एंड वैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि ये पत्र किसने, कब और किसे लिखा था? मिस्टर जिम मैकफर्सन रोट दिस लेटर, मिस्टर जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था। द ही रोट इट टू हिज वाइफ, और इसने उसने अपनी पत्नी को लिखा था, मिसिस कोनी मैकफर्सन को। इट वॉज रिटर्न ऑन डिसम्बर 26, 1914 को ये लिखा गया था। स्टूडेंट, इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए आप। वाई वॉज द लेटर रिटर्न, बताइए पत्र क्यों लिखा हुआ था? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपन, और ऐसी कौन सी विशेष चीज़ थी जो हुई थी, ये इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखो द लेटर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ उसको। द लेटर वॉज रिटर्न, लिखा हुआ था बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपन, कुछ विशेष घटना घटित हुई थी। द वंडरफुल थिंग, जो आश्चर्यजनक बात हुई थी, वॉज द क्रिसमस पार्टी, वो क्या हुई थी? क्रिसमस पार्टी हुई थी। फुटबॉल मैच हुआ था एंड एक्सचेंज ऑफ कैरोल्स ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर। विशेष बात ये थी कि लड़ते हुए जो जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने कैरोल, सामूहिक गान, जो क्रिसमस के गान गीत वगैरह थे, वो एक्सचेंज किए थे। फुटबॉल मैच खेला था, क्रिसमस पार्टी को किया था। कहाँ किया था? ऑन द नो मैन लैंड पर उन्होंने ये काम किया था। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड। व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड द जिम है स्टूडेंट, एम पढ़ना इसको, जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या करते थे जबकि वह सोल्जर नहीं थे? व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वे सोल्जर सैनिक नहीं थे, हैंस वुल्फ यूज़ टू प्ले चेलो, हैंस वुल्फ जो था बजाया करता था चेलो को इन ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम है स्टूडेंट, जिम मैकफर्सन है ना, जिम मैकफर्सन डिड द जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर, वो स्कूल टीचर का एक काम किया करते थे, मतलब स्कूल में पढ़ाया करते थे। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है जो देखिए, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या एवर बीन का मतलब गया था, क्या कभी गए थे क्या हैंस वुल्फ डोरसेट गए थे? वाई डिड ही से ही न्यू इट, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वह इसे जानते हैं? नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, वह कभी डोरसेट नहीं गए थे। ही सेड, उसने कहा था, ही न्यू इट, वह इसे जानता है, किसको? डोरसेट शहर को जानता है। बिकॉज इट ही हैड लर्नड ऑल फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि उसने सब कुछ कहाँ सीखा था, कब पता, कहाँ से पता लगा था उसको? स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो उन्होंने किताबें पढ़ी थी, तो उन्हें डोरसेट के बारे में पता लगा था। इसके बाद डू यू थिंक्स जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप ये सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आए थे? हाउ डू यू नो
दिस। और अगर आप कहते हो कि नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आप कैसे, आपको कैसे पता लगा, तो इससे इसका आंसर देखते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है ऐसा। जे मैकफर्सन नेवर कम बैक, केम बैक, वो कभी वापस नहीं आए थे फ्रॉम द वॉर से। द ऑथर वेंट टू मीट मिसिज मैकफर्सन, क्योंकि जो हमारे राइटर थे वो मिसिज मैकफर्सन से, आपको पता है ना, हॉस्पिटल में मिलने गए थे। द मैट्रोन आल्सो टोल्ड, और मिस जो मैट्रोन थी, हेड नर्स थी, उन्होंने भी बताया था दैट मिसिज मैकफर्सन हैड नो फैमिली, कि मिसिज मैकफर्सन के कोई परिवार नहीं था। इससे हमें पता लगता है कि जो मिसिज मैकफर्सन थी वो अब अकेली है, और मिस्टर जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस नहीं आए हैं, मतलब वो मर चुके हैं। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट, बताइए हमारे जो राइटर थे ऑथर थे, ब्रिटपोर्ट क्यों गए थे। द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसिज कोनी मैकफर्सन, मिसिज कोनी मैकफर्सन की तलाश में वो ब्रिटपोर्ट गए थे। आपको पता है ना क्यों गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लेटर डिलीवर कर दें उनको, इसलिए गए थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ, बताइए अब मिसिज मैकफर्सन कितने साल की हैं। वेहर वॉज शी, और वो कहाँ पर थी। मिसिज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, अब वो 101 वर्ष की थी, शी हो चुकी हैं थी। शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, और वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में अब इस वक्त रह रही थी। इसके बाद में पेज नंबर 16 यानी कि कॉम्प्रिहेंशन चेक के अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक्स हर विजिटर वॉज, किसे मानती है मिसिज कोनी मैकफर्सन की जो आने वाला व्यक्ति था वो कौन था, वो उसे क्या समझती हो। कोनी मैकफर्सन थॉट सोचती थी हर विजिटर जो उसके जो उससे मिलने आए थे वॉज हर हस्बैंड, उसके पति थे जिम मैकफर्सन थे। आपको पता है कि वो युद्ध से वापस लौटे नहीं थे और वो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसी के पति आ गए हों, क्योंकि वो पत्र पढ़ रहे थे ना। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर्स डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, यहाँ जो इस बुक पूरी बुक पूरा जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में ऐसी कौन सी लाइन है जिससे आपको पता लगता है कि हमारे जो राइटर थे वो उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो अपनी जो पहचान है वो छुपा रहे हों, छुपाने का उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। आइट सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक मित्र हूँ, केम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन, कि मैं एक मित्र हूँ जो मिलने आया हूँ मिसिज मैकफर्सन से, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। दिस सेंटेंस शो, ये दर्शाता है दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कि जो वो आगंतुक थे उन्होंने अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद में टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट।